अगले महीने दिवाली है, पटाखों के शौकीन और शोर मचाने वाले बमों की बरसात देखने को मिलती है। करोड़ों का कारोबार होता है, बड़े कारोबारियों के साथ छोटे कारोबारी भी इस दौरान बड़ा मुनाफा कमाते हैं। सिर्फ 200 रुपए में शुरू होने वाले इस कारोबार में मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। जिस तरह से आप बाकी चीजों का बिजनेस शुरू करते हैं, वैसे ही पटाखों का बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। अगर आप कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो आपको हम बताएंगे कि कैसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज आपको बड़े बड़े फायदे दे सकते हैं। इस बिजनेस के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। लाइसेंस लेने के लिए पटाखा बेचने तक क्या क्या करना होता है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही इसके लिए कहाँ आवेदन करें, किस डिपार्टमेंट से NOC लेनी होगी और कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। किस किस डिपार्टमेंट से लेना होता है लाइसेंस? लाइसेंस लेने के लिए आपको DCP ऑफिस में आवेदन करना होता है। लाइसेंस नंबर इशू होने के बाद कारोबारी को लोकल पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर, ऑपरेशन सेल, फायर सर्विसेज और MCD से NOC लेनी होती है। NOC मिलने के बाद DCP ऑफिस से ही लाइसेंस मिलता है। पटाखा कारोबार के लिए दो प्रकार के लाइसेंस मिलते हैं, इनमें से एक परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी लाइसेंस होता है। परमानेंट लाइसेंस शहर में बैठे बहुत कम कारोबारियों के पास होता है। दरअसल हर साल नए कारोबारियों के जुड़ने से परमानेंट लाइसेंस देना बंद कर दिया गया है। हालांकि पुराने कारोबारी जिनके पास परमानेंट लाइसेंस है, उन्हें हर साल इसे रिन्यू कराना होता है। टेम्परेरी लाइसेंस हर साल बनाए जाते हैं। ये लाइसेंस ज्यादातर हर साल जुड़ने वाले नए कारोबारियों को दिया जाता है। लाइसेंस लेने के लिए प्रक्रिया वो ही रहती है। हर साल टेम्परेरी लाइसेंस के जरिए कारोबार करने वाले कारोबारी कम से कम 3 साल बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों लाइसेंस की फीस 200 रुपए प्रति लाइसेंस होती है। निवेश कितना होगा? इस बिजनेस को 50,000 रुपए के निवेश से शुरू किया जा सकता है। ये शर्तें करनी होंगी पूरी। 100 किलो तक के पटाखे बेचने के लिए पक्की दुकान या शेड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इससे अधिक पटाखे बेचने के लिए दुकान या पक्का शेड होना जरूरी है। क्रैकर शॉप अन्य शॉप से 15 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। दुकान या शेड में ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। फॉर्म के साथ दुकान या शेड का साइट प्लान, मालिकाना हक का प्रूफ और फोटोग्राफ्स देने होते हैं। मुनाफा कितना होगा? आप पटाखों के डीलर के जरिए पटाखे खरीद सकते हैं। ये डीलर चाइनीज और भारतीय पटाखे बेचते हैं। अगर स्टॉक ज्यादा मंगाना है तो पटाखों के गढ़ तमिलनाडु के शिवकाशी की कंपनी से मंगाया जा सकता है। रिटेलर को चीन के पटाखों पर लगभग 35 से 50% तक का मार्जिन मिल जाता है। भारतीय पटाखों पर लगभग 30 से 35% का मार्जिन मिलता है। आज हमने आपको बताया इस दिवाली के लिए एक धमाकेदार बिजनेस, तो आज ही शुरू करें ये बेहद फायदेमंद बिजनेस और कमाएं अच्छा मुनाफा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।